पूरा वीडियो आप ये देखिए और पूरे मेले के मैं आपको शेयर कराने वाला हूँ और बड़ा ही मज़ेदार और रोचक ये वीडियो होने वाला है और आप अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो का आनंद उठाएं और मेले में आएं। नमस्कार दोस्तों, हम पहुँचे सारंगखेड़ा मेले में और एक चाचा जान और भैया हमारे पास जो है मशहूर जो घोड़े राइडर जाने जाते हैं। नमस्ते चाचा। नमस्ते। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए एक बार। सर मेरा परिचय क्या, मैं तो गुमनाम हूँ, अगर आप कहते हो तो नाम बता दे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए एक नाम की पहचान जरूरी है। अच्छा, मेरा नाम है सलीम शाह और मैं देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेट से रहता हूँ और महेश्वर का रहने वाला हूँ मैं। और ये हमारे जो उस्ताद हैं अजर। नमस्ते अजर भाई, इनको तो कौन नहीं जानता, फिर भी आप एक बार इनके बारे में बता दीजिए। अजर भाई एक ऐसे हॉर्स राइडर हैं और प्लस डांस वगैरह सिखाते हैं ये, जैसे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सलमान खान है, आमिर खान है, शाहरुख खान है, तो ऐसा इनका घोड़ों में नाम चलता है अजर उस्ताद। अच्छा। बरेली वाले टांडा, मतलब आप अगर हर मेले में जाओगे और पूछ लोगे कि अजर उस्ताद कौन है तो आपको 6 महीने का बच्चा भी हाथ पकड़ के इनके पास ले जाएगा। अच्छा अच्छा, है ना। सिर्फ यही है कि जो बच्चा माँ के पेट में है जो देख नहीं सकता मगर वो घोड़ों के घुंघरों की आवाज़ ज़रूर सुनता है, तो वो अपनी मम्मी से भी बोलता है कि जब मैं बड़ा हूँ तो अजर उस्ताद का डांस दिखाने मुझे ज़रूर ले जाना। नमस्ते उस्ताद भाई, आप अपने बारे में ज़रा। रहने वाला यूपी उत्तर प्रदेश बरेली का रहने वाला जी। यहाँ कम से कम 20 से 22 साल हो गए महाराष्ट्र में आते हुए और मुझे घोड़े ट्रेनिंग देते हुए सारंगखेड़ा, इसके पहले अखनूर से आया मैं, अभी सारंगखेड़ा आया। यहाँ के बाद मैं मालेगांव, सिरपुर, अपना इंदापुर, सारे बाजार महाराष्ट्र के जाता हूँ और मैंने कहा मेरा डांस सिखाना होगा। अच्छा। डांस बाजार के अंदर भी सीखा था और व्यापार भी चालू रहता मेरा और बाकी आउट टाइम में लोगों के इधर बुलाते लोग तो वहाँ भी जाता सिखाने के लिए। मेरा यही डांस। राजस्थान भी गए हो क्या? नहीं, राजस्थान नहीं जाता मैं। ये इनों का एक अभी जो घोड़ा है बाली नाम से हमारे फार्म हाउस पे तैयार किया है, वो समथिंग 17 स्टेप बताता है, 17 तरह के डांस हैं उसके पास। ये हमारे अजर उस्ताद ने सिखाया है और ये हमारे भाई है छोटे और बड़े प्रेम से घोड़ों से काम करवाते हैं, कभी कभी हमसे भी धीरे से काम करवा लेते हैं। तो ये हमारा एक परिवार है, ये यादव जी हैं हमारे। नमस्ते यादव। मेरे भतीजे हैं ये। अच्छा। राजन जी यादव के लड़के हैं। हाँ। और ये भी हमारे भतीजे हैं, डॉक्टर है जो। अच्छा। हमारे साथ हमेशा उपलब्ध रहते हैं घोड़ों के लिए। घोड़ों के बहुत लिए। बहुत अच्छा अच्छा, मतलब पूरा हमारी एक फैमिली चलती है। एक घोड़ा रखने वाला, एक डांस सिखाने वाला, एक डॉक्टर, पूरा बेंच साथ लेके। और मैं सिर्फ हिसाब रखता हूँ भाई, पैसा आ जाए तो इधर लाओ अंदर। अच्छा, ये पैसा खर्चा कर देंगे। खर्चा के हिसाब से मेरे को रखना पड़ता है। चलो अब के लिए अपन देखते हैं घोड़ों की तरफ रुख करें। ये पहला घोड़ा देखिए, पहला घोड़ा ये मेरा पंजाब से आया जी। ये भी आदम तो बच्चा है अभी। अच्छा। 18 महीने का हुआ अभी। अच्छा, 64 हाइट है इसकी। अच्छा अच्छा, कितने घोड़े लेके आए अभी? मैं 35 घोड़े लाया। 35 घोड़े, ये बच्चा है आदम। अच्छा। और ये स्पोर्ट्स है, ये 2 दांत हुआ है उम्र का। अच्छा। हाइट अभी 64 है। 64। एक बार जो सामने से हमारे देख रहे हैं उनको अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए जरा। 83-498-955-07। बहुत अच्छी बात है। ये वाली में थोड़ा ले लेना। चाचा आप भी थोड़ा बताते रहिए साथ में, इंटरेस्टेड हो जाएगा। ये हमारे भाई आए हैं मेला देखने के लिए और देखिए ये घोड़ों की खुशी में कितने मोटे ताजे हो रहे हैं, बड़ी खुशी है इनको। क्या एंजॉय करते करते ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल कंप्लीट अपने जगह पे है क्या? अच्छा, मतलब कि ट्रीटमेंट हो चुका है इनका। आ जाइए भैया, ये हमारे भाई लोग हैं, इनका भी ले लीजिए आप। अच्छा अच्छा, ये हमारे गोलू भाई, गोलू गवाह है। अच्छा, जब भी कोई मतलब कि घोड़े को मारता ठोकता तो ये गवाह देने पहुंच जाते हैं वहाँ पे। और ये उधर कालू उस्ताद हैं। कालू उस्ताद नमस्ते। कालू भैया और ये भी घोड़ सवार हैं। अच्छा। घोड़े पे अच्छी राइडिंग करते हैं ये।
राजस्थान वाले भाई हमेशा देखता हूँ आपको। आप देखते हो? अरे यार हमेशा लाइक करा करो करता हूँ, इनके साथ साथ कभी कभी हमसे भी लाइक करके घोड़ा एक दो खरीद, हमेशा लाइक करता हूँ मैं इनके सब वीडियो में लाइक। ठीक ठीक, तो हमारी भी बहुत बढ़िया तरीके से एकदम, हाँ बिल्कुल करेक्ट निकालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहाँ से? यहाँ से शादा से। शादा से, बहुत अच्छी। हमारे वसीम भाई अंसारी के गांव से हैं। अच्छा अच्छा, चलो भैया आओ देवेश। ये बाली है। अच्छा, ये वो डांस वाला, ये जो जिसका मैं बता रहा था आपको, इसके अंदर 17 स्टेप है। अच्छा अच्छा, ये बाली है, और बाली जिस तरह से मतलब इसका मुंह वाला हटा दो जरा, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। हाँ अब बताओ। ये बाली है जो अपन ने महाभारत और रामायण वगैरह में भी बाली का एक जो बहुत अहम रोल था, अच्छा उसी तरीके से इसका घोड़े में एक अहम रोल है। 17 स्टेप करता और आप देख ही रहो कि कितने मुंडी हिला रहा है पैर, ये चैलेंज दे रहा है कि है कोई मेरे मुकाबले में नाचने वाला, देख क्या। अच्छा अच्छा, चलो ना भैया चलो चलो जल्दी से चलो। वेरी गुड वेरी गुड। बिना लगाम से डांस करने लगा, बिना लगाम के साथ बैठक भी करता है, सलाम भी करता है। अच्छा, अगर कोई मान लो कि हमारे पंजाबी भाई आए तो उनको सत श्री अकाल भी करता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और ये देखिए सर, ये बच्चे हैं सर उन्हें। अच्छा अच्छा, पूरे टोटल उन्हें बच्चे। ये काला पचकल्याण घोड़ा है सर ये। अच्छा, और ये हमारा पचकल्याण घोड़ा है। अच्छा, ये हमारे भाई लोग आए। ये चाचा इनसे मिलवाइए जरा हमारे दर्शकों को। ये हमारे भाई है जो घोड़े के शौकीन है, हमारे पास आए। आइए सर, मैं घोड़े चलाते हुए देखते रहता हूँ इनको। चाचा बहुत अच्छा राइडर है, राइडर है, उस्ताद और ये उस्ताद है। आप देख लो इनके चेहरे से लगता है कि राइडर है, और फिर जो मूछों पे जो इनके जो बल है, अच्छे अच्छे घोड़ों को सीधा कर दिया। राइट सर, सही सही बात है ना। और हमारे भाई भी आए हैं साथ। एक बार अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम केसर सिंह शेखावत है जी, मैं राजस्थान से हूँ, सीकर जिले से। अच्छा, और बचपन से ये घोड़ों पे है मेरा दिल, से भी घोड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं, और घोड़े को जैसे सिखाने की भी कला देता हूँ, नाच काम वगैरह, चाल वगैरह आदि, तो घोड़ों के प्रति सब काम देता हूँ। मतलब तुम्हारा दिल फिदा हो गया घोड़ों पे, फिदा रहता हूँ। हाँ, 100 बीमार और एक अनार, एक अनार और 100 बीमार, मतलब घोड़े के अलावा कुछ सोचता नहीं। अच्छा, बहुत बहुत इंडिया के कोने कोने से राइडर बता रहे हो आप हमारे। राजस्थान के भी बड़े मशहूर मास्टर रहे हैं जिन्होंने मतलब कि हिंदुस्तान के अंदर अपना नाम किया है, और जब राजस्थान की हम बात करते हैं तो वहाँ से नाम निकल गया था महाराणा प्रताप जी का, जो प्रसिद्ध है, और उनका घोड़ा भी बड़ा प्रसिद्ध था, चेतक। चेतक, और आज उसकी नस्ल हम ढूंढते हैं, अगर चेतक घोड़े की अगर नस्ल मिले तो लोग करोड़ों रुपए देकर खरीदने के लिए तैयार है। बहुत अच्छी बात। चेतक के नस्ल की वैशिष्ट्य क्या है, पहचान क्या? और सर मैं तो व्यापारी हूँ, मैं भी तलाश रहा हूँ आप जैसा कि चेतक की क्या पहचान है, और मेरे हिसाब से तो चेतक मतलब जो जानवरों में है सबसे वफादार जानवर जो होता है वो हॉर्स होता है, ऐसा मैंने सुना है हमारे बुजुर्गों से। एक डॉग होता है वो भी वफादार होता है, तो घोड़ा एक ऐसा वफादार है कि कभी भी अपने मालिक को नुकसान नहीं पहुँचाता, और उसके पालने से बड़ी बरकतें भी हैं। जैसे हम देखेंगे रामायण महाभारत और फिर पैगंबर मोहम्मद साहब और जितने भी संत हुए हैं सुरुए जमीन पे, और हम सब आप एक ही औलाद हैं, हम भले से अलग अलग धर्म के मानने वाले हों, अलग अलग पहचान हो हमारी, मगर ईश्वर एक है और हम सबको उसके पास ही जाना। तो ये जो घोड़ा है सर, ये घोड़ों में एक ऐसा है कि घर पे पालने से भी बहुत से मतलब कि अपने घर के वास्तु की स्थिति ठीक होती है। जैसा घोड़ा ही आता है बुजुर्ग बताते हैं, जैसा तो तमाम जितनी भी बला वगैरह ये वो दूर हो जाते हैं। हाँ, जादू हो, टोना हो, भूत हो, पलीत हो, जिन्नात हो हमारे जैसे, तो वो भी घोड़े के भाग जाते हैं। और घोड़ा तो एक घोड़ा है, आपने देखा पृथ्वी के अंदर हम कहते हैं मर्द, मगर हम मर्द नहीं है, क्योंकि मर्द के खान नहीं होते, स्तन है हमारा, स्तन है, मगर आप घोड़े का देख लो कोई स्तन नहीं मिलेगा, इसलिए और ये घोड़ा घोड़ा इसलिए मर्द के मर्द है ये, और अर्जुन जो मतलब की घोड़ा जो है
यार कुछ करना यार मेरी आदत चली जाती बात। जो घोड़ा, हाँ जो घोड़ा है सूर्य की किरण गिरती है, जो एचपी बना हुआ है। हाँ क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जहाँ जहाँ सूर्य की किरणें मिल गिरती है वहाँ वहाँ घोड़े मिलेंगे। बहुत अच्छा, बहुत जहाँ सूर्य की किरणें गिरती है वहाँ वहाँ घोड़े मिलेंगे, और इनके जैसे राइडर भी मिलेंगे और हमारे जैसे शौकीन भी मिलेंगे। सौदा का अब सौदा क्या है सर? वो घोड़े के जो खोड़ी बताते हैं, 72 खोड़ी। हाँ तो 36 बताते हैं, 36 वो बौरे दिखते है। क्या वो असल में सच होता है कि ये बुरा है? नहीं, सच तो कुछ नहीं होता सर। देखो हम तो कुछ मानते नहीं, बाल हो भौरी हो जो भी, हम इसलिए नहीं मानते हैं कि सब ये ईश्वर की देन है। क्या बात, ये अल्लाह का बनाया हुआ है सारा संसार। सबसे प्रेम करना चाहिए, प्रेम के बुनिया दुनिया अधूरी है। और जो एचपी है सर, देवमन वगैरह नहीं है, बाल भौरिया गलत है, कहीं छोड़ते तो नहीं लोग? हाँ मैंने कभी जंगल में देखे नहीं घोड़े ऐसे घूमते हुए, यार गंदी है तो छोड़ दो, अपन पकड़ लाए वहाँ से। तो सबसे ज्यादा खोड़ेला इंसान है, इंसान राइट राइट। और हम घोड़े की तारीफ यहाँ पे भी करेंगे कि जो एचपी होता है, एचपी हॉर्स पावर, तो आप देखोगे कि विश्व के अंदर एचपी हॉर्स कितने हॉर्स पावर की गाड़ी है, तो उस पर लिखा होगा एचपी, यानी हमारे घोड़ों से सारी उत्पत्तियां हॉर्स पावर की जो है वो हॉर्स पावर से हुई है। और अब मैं मिलाता हूँ मेरे नायक दोस्त से, राजन जी यादव, यादव स्टेट फार्म। और ये मेरे मित्र है और ये स्टेट फार्म इन्हीं का है, और हमारा ही है, हम सबका है ना। तो ये प्रेम के खातिर वैसे प्रॉपर्टी का धंधा इनका, मेरे कॉन्ट्रेक्टर हूँ, बिल्डिंग बनाता हूँ मैं, और बिल्डिंग में नक्शे भी अगर आप चाहो, अगर 20-50 का प्लाट बनवाना हो तो भी नक्शा बना दूंगा मैं यहीं पे जमीन के ऊपर। आप जैसे बोलोगे हॉर्स का नक्शा होना दीवार के। अस्सलाम वालेकुम, आइए अल्हम्दुलिल्लाह। घोड़े का और एक ये हमारे भाई भी आए, प्रेमी है, नासिक से हमारे भाई आए हुए और बड़े शौकीन है घोड़े के, माशाल्लाह एक से एक अच्छे घोड़े पालते हैं आप। घोड़े का और एक वैशिष्ट्य है, दूसरे जानवर स्पीड से दौड़ते हैं लेकिन चीता सबसे ज्यादा दौड़ता है, लेकिन उसका ऊपर जब आदमी बैठता है तो वो चल नहीं पाता। घोड़े का जो स्पीड है उसके ऊपर शाहू महाराज भी बैठ गए 134 किलो के, तभी वो स्पीड इसलिए उसको ज्यादा शक्ति। हाँ शक्ति बोले तो वेग गुणले ताकत बरोबर शक्ति, बहुत ताकतवर होता है। देखो कितना ज्ञान मिल रहा है, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, एमपी, मतलब राजस्थान के, भारत के कोने कोने से अपन को मिल रहे हैं यहाँ। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबी है, पशु प्रेमी जिस तरीके से सब धर्म के लोग इकट्ठा होके एक जगह जब मिलते और जब एक गुलदस्ता बनता है, और गुलदस्ता जब बनता है तो बड़ा खूबसूरत लगता है। और अगर आप एक फूल ले जाके दीजिए, लीजिए सर, तो एक फूल तो एक फूल है, मगर जब सभी समाज के गुलदस्ते बन के गुलदस्ते के अंदर आते हैं, क्या बात, खूबसूरत लगता है। क्या बात कही, अलग अलग करते हुए अलग अलग हो जाते हैं। और ये विश्व के अंदर फूल बन के रहना, और विश्व के अंदर जो हमारा हिंदुस्तान है, जो हमारा मुल्क है, वो इसलिए प्रसिद्ध है कि हर जगह एक या दो समाज के फूल खिलते होंगे, और यहाँ पे हमारे यहाँ हर तरह के फूल खिलते हैं। इस बात में एक शेर सुना देता हूँ मैं आपको, सुनाओ सुनाओ। फूल खिलते हैं तो खिलने दे, फूल खिलते हैं तो खिलने दे, लोग मिलते हैं तो मिलने दे, मजहब की दीवारें बीच में खड़ी ना कर, मजहब की दीवारें बीच में खड़ी ना कर, ये गुलशन है इसमें हर समाज के फूल को खिलने दे। और फिर मसला ये है कि मसले को सुलझाया जाए, जाति समाज का मसला, जो मसला है कि मसले को सुलझाया जाए, आओ मिलके फिर एक नया हिंदुस्तान बनाया जाए। वाह वाह वाह, क्या बात कही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्या बोल जी, आइए। हाँ ये हमारे भाई हैं, गुजरात बोटाद गांव से आए हुए, गुजरात से आए हुए हैं, और बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आज हमारी मुलाकात भी हो गई, और इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह, क्योंकि घोड़ा एक ऐसी नस्ल और एक ऐसी मोहब्बत वाला जानवर है कि पूरे हिंदुस्तान में पहचान करवा देता है घोड़ा। आज पेचान, हमारी पहचान करवाई। और ये देखिए हमारे चाचा के बने हुए मानपुरा, कितने घोड़े लेके आए चाचा? 65 पहले आए थे और अभी गाड़ी उतारी, उसमें 11 या 12 थे,
अच्छा पहले भी आपके बच्चों का मैंने वीडियो बनाया था, 65 लोगे और 12 अभी लेके आए मेरे ख्याल से, 11 लाख 12 लाख 12 गाड़ी में उतारे 77 हो गए, 77 हो गए, 77 डबल सेवन आ गया, मतलब तो वारे न्यारे वाला का डबल सेवन आ जाए तो समझ तो अच्छे मुनाफे से बिक रहे जाता आपका। ये हमारे भाई भी बेचे, ये बड़ौदा के, मेरा नाम है सैयद अशफाक हुसैन, मैं गुजरात बड़ौदा से हूँ। अच्छा ये भी खरीद रहे हैं? ये अभी नया स्टार्ट से ले रहे हैं, नया स्टार्ट फार्म शुरू कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, हमारा स्टार्ट फार्म स्टार्ट होने वाला है हालोल, हालोल के अंदर पावागढ़ है, पावागढ़ बाईपास रोड पर ही हमारा जोरावर स्टार्ट फार्म, जोरावर माता जी का जो मंदिर है, माता जी का जो मंदिर है पहाड़ के बिल्कुल नीचे ही हमारा फार्म है। हाँ तो हम आप अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपका फार्म सक्सेस हो, आप दिन दूना रात चौगुनी करें, अल्लाह उसमें बरकत दे, आपकी उम्र में बरकत दे, आमीन आमीन, और सब कुछ सेहत आप रखें, बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए कितने माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं है ना इनकी गोड़िया। हाँ चाचा इनकी गोड़िया मैंने कल या परसों जब स्टार्टिंग में आया था तब 61 गोड़ियों में से 14 गोड़ी बेची थी आपने, व्यवहार बिकता सर, ईमानदारी जो है क्वालिटी, 65 में से भी 30-32 बिक चुके हैं, और जो अभी 12 गाड़ी उतारी हमने उसमें भी 4 बिक दिए, बेच दिए भाई, सेल कर चुके हैं। दूसरी एक बात बोलना चाहूंगा कि जो बोलेंगे वही चीज वही वही मिलेगा, इसीलिए तो माल बिक रहा है। इतनी गारंटी है कि अगर आपको समझ में नहीं भी आ जा रहा है लेने के बाद तो भी ये बैठे हैं, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट करिए और अच्छी चीज यहीं से मिलेगी आपको। और एक बात मैं बता दूं कि आप सर उधर बताइए, सर कैमरा उधर घुमाइए, पूरा मेला लगा हुआ है, पूरा बेला लगा हुआ है, और हमारे जो चचा हैं इधर आप लाइए, देखिए एंड हो गया कोना, अच्छा ये कोना एंड हो गया, ये कोना एंड है, कोने में आदमी कब जाता है सबसे घबरा के और ईमानदार की तलाश में आता है, और यहाँ हमारे चाचा से माल लेता है, और माल लेके फिर चाचा की इतनी गारंटी रहती है कि माल अगर आपके ना समझ में आए तो वापसी, आज के दौर में वापसी की क्या गारंटी सर जी, आज के दौर में वापसी की क्या गारंटी, नो गारंटी, मगर इधर गारंटी है। तो आप लोग से भी जितने भी दर्शक हैं जी, आप लोग आइए और हमारे चाचा से घोड़ा घोड़ी खरीदिए और सुख प्राप्त कीजिए। एक बार नंबर बता दो आप, और नंबर बताइए चाचा के, चाचा अपने कॉन्टेक्ट नंबर, नंबर मेरा नंबर है भाई साहब 9737 जी 727780। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चाचा, चलते आगे जी, चलते हैं अपना ओम सिरोही गोट फार्म, ओम सिरोही, चलो इंशाल्लाह उसी मुलाकात, दुआ में याद रखिए चाचा भाई साहब, ये हमारे दादा को भी देखिए, दादा को भी बताइए यार जरा हमारे, ये हमारा हिंदुस्तान आ गया देखिए, ये मुस्कुराहट, हमारे दादा खड़े, आओ दादा, अरे सुनो हमारा मुन्ना दादा बोले देखिए, अरे नहीं देखिए ये कितना प्रिय है, देखो देखिए कितना प्रिय है मुन्ना दादा, रानी बात बजे, अरे मुन्ना दादा भी है ना, इधर है ना मुन्ना दादा का, ये ना का, चलो अब आगे चलते हम देखिए, और ये सब दीवान की देखिए छोटे बड़े सब 10,000 रुपये से लेके, ये 10,000 रुपये से लेके 50,000-100,000 रुपये तक के बच्चे बने हुए सब यहाँ, बिल्कुल यहाँ के सस्ती रेट में, हाँ सस्ती रेट में मिलता है, वाजिब दाम में बच्चे, और कम प्रॉफिट पे बिजनेस करते हैं ये लोग, कम प्रॉफिट में, हाँ कम प्रॉफिट पे, जैसे टांगे के भी मिल जाएंगे घोड़े, टांगे के घोड़े मिल जाएंगे, टट्टू मिल जाएंगे, सभी किस्म के मिलते हैं ना सर। अच्छा अच्छा वो दिखाए जो जो हेवी थे सारे, हाँ वो सारे हेवी थे, ये उनका तोड़ है, ये उनका तोड़ है, हाँ क्योंकि ये बहुत मजबूत आते हैं ना सर, ये देखिए भाई बहन की जोड़ी, अच्छा ये भाई बहन की जोड़ी है, अच्छा। और बड़ी मजबूत रहती है सर ये, अच्छा, हाँ वर्क में भी, वर्क खींचना हो, ईंट पे भट्टे डालना हो, रेत डालना हो, बहुत ही अच्छे अच्छे जो है छोटे, हाँ। नस्ल वाले घोड़े भी कुछ में देख रहा हूँ, ये देखिए ये बच्चे नस्ल वाले, ये बच्चे, ये सिंधी है, ये मारवाड़ी है, और ये बड़ी घोड़ी का सौदा चल रहा था देखिए, ये हमारे भाई आए हैं टावेल डाल के, अरे ना चीर के वीडियो बना लो भाई, हाँ हाँ बनाओ बनाओ भैया, बताओ अपने बारे में, क्या नाम है? पदनावर से, बदनावर से एमपीओ, हाँ चीर के, अरे वाह यार बदनावर, क्या लाए यार, क्या लाए हो, ये बच्चा लिया है, लिया है लिया है माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत खूबसूरत, हमारे सब भाई लोग एमपी से आए हुए,
अच्छा अच्छा तो क्या ये लेके खुश हो तुम? कितने घोड़े लिए अभी तक? चेहरे में कितनी मुस्कुराहट है। 140 बहुत अच्छी प्राइस पे आ गया यार यहाँ तो। अभी अपन चाचा उधर गए तो बहुत सारे हेवी रेटों में थे और इधर बिल्कुल सस्ते दामों वाला। कमेले का माल है, कमेले का। अच्छा अच्छा, नॉर्मल माल है। अच्छा, छाट लो, अच्छा मिल जाता माल। अच्छा अच्छा, सब पैसे वालों के काम। अच्छा आगे चलते हैं अपन और बात करें। ये हमारे भाई का भी ले लो ना यार, देखो कितने मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये देखिए कितने मुस्कुरा रहे हैं, इधर आ जाओ यार। चैनल कौन सा है ये देखिए, अभी बताएंगे। ओम सिरोही गोट फार्म का ये देखो बच्चा, अपना बच्चा अनंत है अभी। ये भी अनंत है। हां बहुत खूबसूरत है बच्चा। अरे भाई साहब ठंडी बता देना। अरे भाई साहब आइए आइए, ऐसे लग रहा है जैसे शादी करके आ रहे हैं, लाल बाल करवा के हमारे भाई। उसमें भाई, उसमें भाई, अरे शादी कर ली और पूछ नहीं रहा हो, लाल बाल कर ली है तुमने। ये हमारे भाई को देखिए, कब है ये? उसमें भाई है एमपी से। अच्छा कितने आप कितने घोड़े लेके आए हैं उसमें भाई? ये पांच कौन से है बताएंगे? चलो देखते ये पांचों। अरे ये तो ऑस्ट्रेलियन लग रहे हैं चाचा। हाँ ये तो लाइन वाले लग रहे हैं। ये वाले पांच थे, पांच तीनों। अच्छा अच्छा, ये ऑस्ट्रेलियन लग रहे हैं यार ये तो। अच्छा ये क्या रेटों में है ये वाला? 51,000 रुपए का ये बच्चा। 51,000 का हुआ यार, अच्छे अच्छे दामों में आ रहा है। और वो वाला चाचा? वो 61,000 रुपए का। ये वाला ये इधर, ये 41,000 रुपए का। अरे भाई यार बहुत अच्छे अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं अपन को। सस्ता सस्ता, रस्ते का माल सस्ते में। अरे वाह यार, अरे बहुत बढ़िया। तो चाचा अपन एंड करेंगे यहीं, मेले का एंड हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे मेले का। इधर 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 चाचा, जितने भी आपके दर्शक हैं जो ये YouTube चैनल वगैरह देखेंगे, अच्छा तो आप ये जरूर देखें और आपको पसंद आए तो घोड़ा सारा खड़ा में पधारे। और मेरी दुआ है कि सभी दर्शक व्यस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें और घोड़ा घोड़ी पालते रहें।